नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लगभग 5000 के आसपास हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन में जो ऑर्डर मिलते हैं दोस्तों, मार्केट ऑर्डर में प्लेस करने के कारण थोड़ा सा स्प्लिट हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। आपको लगेगा कि बहुत सारे ट्रेड मैंने लिए आज, लेकिन ये सारे ऑर्डर स्प्लिट हो चुके हैं। मतलब आप 200 क्वांटिटी भी ले दो तो 25 25 करके आते हैं, इसलिए बहुत सारे ऑर्डर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रेड अब मतलब आज का ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फिर से स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आप सारी चीजें समझ सकोगे। तो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस क्या था, मतलब ट्रेड लेने के पीछे जो रीजन थे वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए निफ्टी बैंक के स्पॉट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम लगाया है दोस्तों, ये 5 मिनट का है और अभी टाइम हो चुका है 11:30, मतलब 11:30 बज चुके हैं और हमारा ट्रेडिंग 10 o'clock मतलब 10 बजे के आसपास खत्म हो चुका था। हमने 30,400 का कॉल शॉर्ट किया था दोस्तों। तो सबसे पहले वो लिख के दिखा देता हूँ तो आप चीजें पकड़ सकोगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे टिक्स करता हूँ। तो 30,400, ठीक है, 30,400 के हमने सी शॉर्ट किया था। और कॉल शॉर्ट करने का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कॉल शॉर्ट करते हैं तो आपका व्यू जो होता है मार्केट के ऊपर वो बेरिश हो जाता है, और पी शॉर्ट करते हो तो आपका व्यू मार्केट के ऊपर बुलिश हो जाता है। तो 30,400 का मैंने सी शॉर्ट किया था। ठीक है, 30,400 का सी शॉर्ट करने के पीछे रीजन क्या था, ये भी थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे कल का मार्केट बहुत ही वोलेटाइल सेशन था, तो मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, सस्टेन किया और यहाँ पे जैसे ही उसने अपना मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे के ऊपर चला गया और वहां से 400-500 पॉइंट की रैली बना दी। लेकिन जो वीकली एक्सपायरी होती है तो वहां पे मार्केट थोड़ा सा जो ऑप्शन बायर होते हैं वहां पे जाके क्लोज होता है। मतलब मैक्स पेन पॉइंट क्या होता है, मैक्स रेशियो क्या होता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, ये आने वाले मेरे वीडियोस में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि वीकली एक्सपायरी जो होती है, जो हर हफ्ते के गुरुवार को होती है, वहां पे मार्केट वही उसी प्राइस पे जाके क्लोज होता है जहां पे बहुत सारे ऑप्शन जो बाय करते हैं उनका लॉस होने वाला होता है, उसी पॉइंट में जाके मार्केट क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मार्केट का जो थ्योरी है वो यही कहता है कि जो ऑप्शन बायर है उनको मैक्सिमम लॉस जिस जगह पे होता है उसको मैक्स पेन बोला जाता है। आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और ये जैसा ही उसने अपना लो ब्रेक किया तो उसी समय के थोड़े से पहले मैंने 30,400 का कॉल शॉर्ट किया था। लगभग 225 क्वांटिटी थी तो उसमें हमने लगभग 8,200 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। उसी के साथ साथ थोड़ा सा नीचे की स्ट्राइक प्राइस में मैं चला गया था 30,100 के आसपास, उसके भी मैंने कॉल शॉर्ट किए थे, थोड़ा कम क्वांटिटी थी लेकिन उसमें वोलेटिलिटी के कारण अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जैसे ही मेरा रिस्क ओवर हो गया तो मैंने ट्रेडिंग खत्म कर दिया दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ से मार्केट कल क्लोजिंग प्राइस ये था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए तो जो सेलिंग था उसमें हमें अच्छा पैसा मिलने वाला था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट लगभग 220 पॉइंट मतलब लगभग 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। तो दोस्तों यहाँ के जो कॉल सी साइड के प्रीमियम थे वो विद इन 1 मिनट के अंदर पूरा मेल्ट हो चुके थे। तो हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने की जरूरत थी कि मार्केट में हमें एंट्री करने का एक मौका मिल जाए। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने मन से एंट्री ले लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, यहाँ से मैं सेल करूंगा तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये वो सब लॉजिक अपने मन को एक्सप्लेन करके ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट जो दिखाता है, मार्केट जो प्राइस एक्शन में बोलने की कोशिश करता है, वो चीजें पकड़ नहीं पाते क्योंकि मार्केट सुप्रीम है और हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मार्केट आपको बता रहा है कि आपका एनालिसिस गलत है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देने के बाद वहां से चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर ट्रेड लेते रहो, क्योंकि प्राइस अगर बोल रहा है कि नीचे जा रहा है तो प्राइस हमेशा आपको चांस भी देता है, अपना जो भी पोजिशन है उसको कवर अप करने का चांस भी देता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे अटके रहते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जो लॉस में ट्रेड चल रहा है उसको होल्ड करने की हैबिट होती है और जो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है उसको वो तुरंत बुक कर देते हैं। तो 99% ट्रेडर के साथ यही होता है मार्केट में, इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तुलनात्मक जगह अगर मैं कंपैरिजन करूं नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ तो उनकी संख्या मतलब उनका जो काउंटिंग है बहुत ही कम है, क्योंकि पेशेंस सबके पास नहीं होता है दोस्तों। ये सारी चीजें लॉजिक के ऊपर डिपेंड करती है और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो हमेशा प्राइस जो बोलना चाहती है उसको समझो, उसी हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब आप कितना लूज कर सकते हो उसी हिसाब से आप ट्रेड लो। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि एक लॉट में अगर 100 पॉइंट कवर करोगे तो
2500 का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन वही आप चार लॉट में 50 पॉइंट भी कवर करोगे तो 5000 के आसपास प्रॉफिट होने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना लूज कर सकते हो। अगर आप लूज कम कर सकते हो तो उसी हिसाब से ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं है कि आप अगर 5000 लूज कर सकते हो तो 30000 का रिस्क ले लो। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ अगर आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, तो उसके ऊपर काम करो। और मैंने जो बताया था ये सारी ट्रेड लेने के पीछे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा हुआ नहीं, फिर भी मैंने जो अपना व्यू था मार्केट के ऊपर, जो बेरिश निवेश था, वो मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था और मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा था। इसका मतलब मेरा एनालिसिस सही था। तो आप भी एनालिसिस कीजिए, आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और ओवर ट्रेडिंग को और कम कीजिए, और जो भी है चीजें हिसाब से कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले वीडियोस को ऐसे ही हमारे सपोर्ट कीजिए, और इसी वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे कॉल प्रोवाइड करते हैं, कॉल मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं, और आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आने वाले अपडेट्स की हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जाते जाते फिर से एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।